أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم students this is Sir Saud from Bahria College Karsaz बेटे सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है और आज 7 सितंबर है, मंडे का दिन है। हम एक्सरसाइज 3.1 पढ़ रहे थे और हमने काफ़ी सवालात इसके सॉल्व भी कर लिए थे। आज एक्सरसाइज नंबर 3.1 पेज नंबर 121 पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आज हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 के 8 पार्ट्स हैं और 8 के 8 पार्ट्स जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि इसको सॉल्व करने के दो अहम तरीके हैं। एक इसका लॉन्ग मेथड है और एक इसका थोड़ा सा उससे शॉर्टकट तरीका है। मैं आपको थोड़ा सा आसान करके बताना चाहूँगा इस लेक्चर में, बजाय के वो ट्रेडिशनल जो मेथड है एक लंबा वाला उसको छोड़ के थोड़ा सा आसान करके बताऊँगा, ठीक है। अब इसको कॉन्सेप्ट को पहले हम समझते हैं कि क्या कह रहा है सवाल में, क्या पूछना चाह रहा है। देखिए बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है, थिरो जो गुजर रही है या पास हो रही है, द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, पहला पार्ट। दो लाइंस गिवन है, उनकी इक्वेशन, उन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है वो, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, और एक और पॉइंट है 2.1 उससे भी पास हो रही है जनाब। अच्छा जी, अब सबसे अहम चीज़ है इसकी डायग्राम को समझना, ठीक है। डायग्राम इतना ही आसान है, पहले आप देखिएगा गौर से, मैंने एक L1 लाइन ड्रॉ की और एक L2 लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अच्छा, ये L1 और ये L2 गिवन लाइंस हैं, जिसको मैंने यहाँ पे लिख भी लिया है L1 और L2, इसकी इक्वेशन दी भी है। ये L जो है, जो रिक्वायर्ड लाइन है, ये इस दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है और एक और पॉइंट से पास कर रही है P2.1। यहाँ पे मैंने P2.1 कर लिया और L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया है, जो यहाँ पे मैंने डॉट बनाया है, इसको और मैं ज़रा गहरा कर देता हूँ ब्लैक कलर से, ये QXY है। अब मसला ये है कि अगर मुझे इस रिक्वायर्ड लाइन L की इक्वेशन चाहिए, तो ये एक पॉइंट से तो पास कर रहा है और आप डायग्राम के मुताबिक देखेंगे ये एक और पॉइंट से जो है पास कर रहा है क्यू से, मगर ये मुझे मालूम नहीं है। अगर मैं इसको मालूम कर लूँ तो आसानी मैं इस लाइन की इक्वेशन मालूम कर लूँगा 2 पॉइंट फॉर्म से। आपको याद होगा 2.5 एक्सरसाइज में किया था हमने। अब उसके लिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, वर्डिंग लिखते हैं, ठीक है, वर्डिंग लिख के और इसकी वर्किंग शो करते हैं बेटे। अब ज़रा गौर से देखिएगा बेटा, वीडियो लेक्चर जो है रिकॉर्ड हो रहा है, सुबह तक सेंटर के इंतज़ामिया जो है सर अमान और सर नमान, वो आपको आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में मेरा ये वीडियो लेक्चर का लिंक शेयर कर देंगे। आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने पास सेव कर लीजिएगा या देख लीजिएगा उसको बार बार रिपीट करके, और जो है साथ साथ एहतियातन फिल वक्त अभी आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अच्छा बेटे, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, लेट फर्स्ट किया QXY डायग्राम को देखते हुए, बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइंस L1 एंड L2। L1 की और L2 की इक्वेशन सवाल में गिवन है, ये मैंने लिख दिया L1 की इक्वेशन, ये लिख दिया L2 की इक्वेशन, बात क्लियर हो रही है मेरे बेटे, इसको नोट डाउन कीजिए बेटा। अच्छा, अब याद रखिए, जब दो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, जो लीनियर इक्वेशन होती है, उनको सॉल्व करने के कई मेथड आपने क्लास 8 से पढ़े हुए हैं कि भाई उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो,
उसको जनाब जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, एक लंबा प्रोसेस था। हम वो लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे बल्कि आपकी ही किताब में दिया हुआ एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे बेटे। अब ज़रा और से मेरी बात को समझ लीजिएगा। अगर ये पहली लाइन L1 है तो इसका x का कोफिशिएंट A1 कहलाएगा, y का कोफिशिएंट B1 कहलाएगा और ये C1 कहलाएगा। बात क्लियर हो रही है? L2 लाइन है तो इस x का कोफिशिएंट A2 कहलाएगा, y का कोफिशिएंट B2 कहलाएगा और c का जो c कॉस होगा वो C2 कहलाएगा। ठीक है? अब देखो बहुत आसान सी बात है, हम यहाँ पे एक तरीके से 2 बाई 2 ऑर्डर का जो है डिटर्मिनेंट मेथड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्रैमर रूल जैसे हम सॉल्व करते हैं ना वैसे। अब देखो तुम्हें अगर एक्स कॉम्पोनेंट निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, एक्स कॉम्पोनेंट निकालना है तो एक्स की वैल्यूज को गायब करना पड़ेगा। अब ज़रा देखो बेटा फॉर्मूला जो है क्यू एक्स वाई का कैसे बनाऊंगा, एक्स की वैल्यूज को गायब करूंगा तो मैं क्या करूंगा, देखो B1 मल्टीप्लाई बाय C2 करूंगा, बीच में माइनस फॉर्म लेगा, फिर ये B2 मल्टीप्लाई बाय C1 कर दूंगा। बात क्लियर हो रही है? दोबारा से देख लीजिएगा, एक्स निकालने के लिए एक्स की वैल्यूज को हम गायब करेंगे तो इस वाई की वैल्यू को यानी कि B1 की वैल्यू को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में आता है माइनस का फॉर्मूला, और फिर B2 को C1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये फॉर्मूला बन गया भाई। ठीक है? अब आ गया हो कॉमा डाल के। अब तुम्हें ये वाई कॉम्पोनेंट मालूम करना है, वाई कॉम्पोनेंट के लिए वाई के कॉम्पोनेंट को तुमने छुपा देना है। ठीक है? अब एक्स और कोफिशियंट सी इसको इस्तेमाल करना है तो क्या करोगे, A1 मल्टीप्लाई बाय आपके पास C2 और वही माइनस फॉर्म लेगा। ठीक है? अच्छा, इसमें इस तरीके से करेंगे कि C1 मल्टीप्लाई बाय A2 करेंगे और फिर माइनस करेंगे C2 मल्टीप्लाई बाय A1। ठीक है? इसमें जरा सा हम क्रॉस में जाएंगे, पहले इसको यूं लेंगे फिर इसको यूं लेंगे, फिर इसमें ऐसे चलेंगे C1 मल्टीप्लाई बाय A2 माइनस फॉर्मूला का C2 मल्टीप्लाई बाय A1, यह आ गया फॉर्मूला। अच्छा भाई नीचे का कैसे निकालेंगे, भाई नीचे कैसे निकालेंगे, कॉन्स्टेंट को गायब कर देंगे और इसको लेंगे A1 मल्टीप्लाई बाय B2 माइनस B1 मल्टीप्लाई बाय A2, ऐसे करेंगे और जो चीज़ नीचे यहाँ पे आएगी वही चीज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। तो नीचे वाला एक दफ़ा तुम्हें समझना पड़ेगा, इसको कॉपी पेस्ट कर देना है, सिर्फ ऊपर वाला देखना है। ऊपर में अगर एक्स चाहिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, इनको उससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस फॉर्म का, इसको उससे मल्टीप्लाई करोगे कॉमा, जब वाई के लिए करोगे तो ये छुपा दोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, उल्टा इसको क्रॉस किया इससे माइनस इसको क्रॉस किया इससे, तो ये आ जाएगा। बस अब तुमने यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यूज यहाँ पे पुट करके डायरेक्ट इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना है। बात क्लियर हो रही है भाई? स्क्रीनशॉट ले लो पूरा, और मैं अब नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा तो मैं इसका वैल्यूज पुट करूँगा और वैल्यूज पुट करके सिंपलीफाई करूँगा, और जैसे ही मेरे पास क्यू एक्स वाई आ जाएगा तो 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन मालूम कर लूंगा। तो ये है सबसे आसान तरीका, और जो एक बाज़ असातिज़ा इकराम जो है इसको के मेथड से करवाते हैं, ठीक है ना, वो कम से कम 2 पेज या 2.5 पेज का या 3 पेज का मैक्सिमम रजिस्टर का सवाल हो जाता है, इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ और अब आपको ये मेथड सिखा रहा हूँ। बात क्लियर हो रही है बेटा? कॉपी करिए जल्दी से, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ। चलें बेटा आगे चलें। चलेंगे अब जरा गौर से देखिएगा, तो मैंने इनकी वैल्यूज पुट डाउन की, 3 मल्टीप्लाई बाय -5 माइनस -4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -4 माइनस फॉर्मूले का 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कॉमा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस -5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -4 -3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें, -15 प्लस 4 ओवर -8 -9 कॉमा 3 प्लस 10 डिवाइड बाय -8 -9। बेटे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -11 ओवर -17 हो गया। ठीक है?
और ये आपके पास 13/-17। अच्छा ये देखें, माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर दीजिए जनाब, ठीक है। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा वो ये आ जाएगा 11/17, ठीक है, और माइनस का 13/17, ये रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा। अच्छा अब जरा देखिए, फॉर इक्वेजन ऑफ लाइन, लाइन के लिए पी क्यू की लाइन ड्रॉ कर ली। पी तो मालूम था, क्यू मैंने मालूम कर लिया। इसकी इक्वेजन मालूम करने के लिए क्या करूँगा, यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म लगाऊंगा, ठीक है। ज़रा आप स्क्रीनशॉट ले लो और मैं स्क्रीन को आगे बढ़ाऊंगा बेटा, ताकि इसकी वर्किंग जल्दी से कंप्लीट करूँ। अब ज़रा गौर से देखो, यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म लगाया मैंने। फॉर्मूला आपको याद है 2.5 में, y-y1 / y2-y1 = x-x1 / x2-x1, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट x1 y1 होगा, ये वाला x2 y2 होगा, इसमें रिप्लेस कर दें भाई। लेकिन y-1/(-13-17-1)= x-2/11/17-2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। बात क्लियर हो रही है, कॉपी कीजिए जनाब। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कॉपी कर लीजिए इसको, फिर मैं आगे इसकी कैलकुलेशन वर्क आपको करके बता रहा हूँ। चलिए आगे मूव हो रहा हूँ मैं। चलें देखें बेटा, ये एलसीएम लिया तो मैंने y-1/(-13-17) हो गया, /17 हो गया, ठीक है। अच्छा x-2/(11-34)/17, 17 से 17 को क्या कर दोगे, कैंसिल आउट कर दोगे। अब क्या बचा भाई, y-1/(-30) बचा = x-2/(-23। माइनस से माइनस कैंसिल करोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 23 को इधर क्रॉस करोगे और 30 को इधर करोगे, तो क्या बनेगा भाई, 23y, ठीक है, -23 = 30x-60 हो जाएगा। अब एक काम करोगे, एरो का मतलब है इन तमाम लम्स को डिस्ट्रिब्यूट कर दो, तो 30x-23y-60+23 = 0। -60 में से प्लस का 23 चला जाएगा तो क्या बचेगा, -37 बच जाएगा। ये आपके पास रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। बात क्लियर हो रही है बेटा। नोट डाउन करें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला पार्ट, सेकंड पार्ट आपसे शेयर करूंगा। इसके सारे पार्ट्स आपने इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए करके जाने बेटे। चलिए मैं आगे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ थोड़ा सा, और नेक्स्ट पार्ट की जानिब मूव कर रहा हूँ, ठीक है बेटे। बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। अब भाई सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहा हूँ मैं, और फिर इसको डिस्क्राइब करूँगा। कह रहे हैं वही, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइंस। सेकंड पार्ट, इक्वेशन दी हुई है एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और वो लाइन जो है, जो रिक्वायर्ड लाइन है, वो ओरिजिन से भी पास कर रही है भाई। अब इसकी डायग्राम कैसे बनेगी देखो बेटे, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया तुमने, यहाँ पर दो लाइनें आपने ऐसे ड्रॉ की, L2 L1, ठीक है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, PXY आ गया।
अच्छा, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये लाइन एल पास कर रही है और ओरिजिन से भी पास करते हुए जा रही है, अहम बात ये। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ओरिजिन मिल गया है मुझे, मगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी एक्स वाई मालूम करना है, ये मुझे मालूम करना पड़ेगा। अगर ये मालूम कर लिया तो बहुत आसान हो गई इक्वेशन। ठीक है, तो अब आप देखो वही हम क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं इसको। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लो। अच्छा जी, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जल्दी से। ठीक है, अब मैं आगे इसकी वर्डिंग आपसे एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। जरा देखिएगा, लेट फर्स्ट किया पी एक्स वाई बी द पॉइंट, वो पॉइंट है ऑफ इंटरसेक्शन का जो डायग्राम में नज़र आ रहा है, ऑफ गिवन लाइंस का और गिवन लाइंस क्या है, एल वन एंड एल टू, उनकी इक्वेशन दी हुई है। एल वन जो है एक्स माइनस फोर वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो दी हुई है, और एल टू दिया हुआ है एक्स प्लस टू वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। बात क्लियर हो रही है बेटे? ज़रा नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी से और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। फिर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और वही काम करेंगे जो हमने पार्ट वन में किया हुआ है। अब हम थोड़े सवाल किया करेंगे, मगर बिल्कुल एक्यूरेट उसको समझ समझ के करेंगे। बजाय कि चार सवाल मैं करा रहा था, अब चार के बजाय मैं तीन कराऊंगा, मगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कराऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है बेटे? चलिए जी, नोट डाउन कर लिया आपने। चलें बेटा, नेक्स्ट पेज की जानिब मूव करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो मैंने फॉर्मूला मेंशन कर दिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, कि पी एक्स वाई इज इक्वल टू बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन डिवाइडेड बाय ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन कॉमा सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन डिवाइडेड बाय ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। अब आपको कोफिशंस तो पता है, इक्वेशन नंबर वन के कोफिशंस क्या होते हैं, ए वन बी वन सी वन, और इक्वेशन नंबर टू के कोफिशंस क्या होंगे, ए टू बी टू सी टू। बस आपने इस फॉर्मूले के अंदर रिप्लेस करना है भाई, माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस नाइन माइनस फॉर्मूले का माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय टू डिवाइडेड बाय वन मल्टीप्लाई बाय टू माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर कॉमा माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय वन माइनस फॉर्मूले का माइनस नाइन मल्टीप्लाई बाय वन डिवाइडेड बाय वन मल्टीप्लाई बाय टू माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो, 36 प्लस सिक्स हो जाएगा, नीचे 2 प्लस 4 हो जाएगा, कॉमा माइनस 3 प्लस 9 डिवाइड बाय 2 प्लस 4। भाई ये सिंप्लीफाई करोगे 6 अपॉन 6 हो गया, और 6 7 का 42, 6 से 6 कैंसिल 1, तो पी एक्स वाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 7 कॉमा 1 आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? अब तुम यहाँ पे लिखोगे, हेडिंग डालोगे फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन। फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए एक रफली लाइन जो है ना तुमने ड्रॉ कर ली, पी और ओरिजिन वाली, पी 7.1 और ओरिजिन 0.0 हो गया भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, एक मिनट का तवक्कुफ कर रहा हूँ, फिर आगे इसकी एक्सप्लेनेशन करूँगा। चलिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लिया, अब थोड़ा सा मैं आगे मूव कर रहा हूँ। अब देखें भाई, यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म लिखा फॉर्मूला, जो 2.5 में हमने पढ़ा है, वाई माइनस वाई वन ओवर वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन।
ठीक है भाई। चले बेटा आगे चलते हैं। चल देखें बेटा, अब आपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। वाई माइनस वन डिवाइड बाई जीरो माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस सेवन डिवाइड बाई जीरो माइनस सेवन। अब जाहिर सी बात है आपने एक्स वन वाई वन सेवन कॉमा वन लिया होगा और जीरो जीरो को एक्स टू वाई टू लिया होगा। अब आप वैल्यूज को पुट करें, सिंप्लीफाई करें। y माइनस वन ओवर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस सेवन ओवर माइनस सेवन। माइनस से माइनस क्या कर दिया मैंने, कैंसिल आउट कर दिया और सेवन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो सेवन वाई माइनस सेवन वन सेवन हो गया, इज इक्वल टू वन से मल्टीप्लाई करेंगे यही रहेगा एक्स माइनस सेवन। इस एरो का मतलब ये है कि इन तमाम टर्म्स को इधर शिफ्ट कर देंगे, एक्स माइनस सेवन वाई। अच्छा ये माइनस सेवन ऐसे रहा, ये माइनस का सेवन इधर आके प्लस सेवन हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। प्लस सेवन और माइनस सेवन कैंसिल आउट, एक्स माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू जीरो। बात क्लियर हो रही है, ये बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑफलाइन आ गई है। बस स्क्रीन शॉट ले लो इसका। एक मिनट का तवक्कुफ करता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की जानेब, आज के लेक्चर के लास्ट पार्ट की जानेब बढ़ूंगा। इसके आठ के आठ पार्ट्स सारे ही इम्पोर्टेंट हैं और हर पार्ट अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है, तो आपको सारी सिचुएशंस के ऊपर सवाल सिखाए जा रहे हैं। बात क्लियर हो रही है मेरे बेटा? चलेंगे अब थर्ड पार्ट पढ़ रहा हूँ मैं। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइंस। थर्ड पार्ट में कह रहा है डैश एंड डैश यानी दो इक्वेशन दी हुई है एंड पैरेलल टू दी एक और लाइन दी हुई है और उसकी इक्वेशन भी दी हुई है। अब देख लें बेटा, मैंने सवाल को कॉपी भी किया हुआ है आप लोगों के लिए सामने यहाँ पर थर्ड पार्ट, ठीक है। और देखें मैंने इसकी डायग्राम बनाई, एक एल वन लाइन है और एल टू लाइन, ये गिवन लाइन है। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पी एक्स वाई से एल लाइन रिक्वायर्ड लाइन पास हो रही है और ये लाइन एक और लाइन के पैरेलल भी है और पैरेलल लाइन को मैंने नाम दिया है एल डैश का, ठीक है। और इसकी इक्वेशन दी हुई है सिक्स एक्स प्लस थर्टीन वाई माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू जीरो। बात क्लियर हो रही है? इसका स्क्रीन शॉट ले लो एक, ठीक है। फिर मैं जो नेक्स्ट पेज की जानब मूव करूँगा और इसकी वर्डिंग लिख के इसको सिंप्लीफाई करूँगा। पहले पी एक्स वाई मालूम करो और फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है जनाब, चले मूव कर रहा हूँ आगे। अब देखिएगा बेटे, यहां पे हमने लिखा लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइंस एल वन एंड एल टू, ठीक है। एल वन ये दिया हुआ है, एल टू ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटे, पी एक्स वाई वही आपने फॉर्मूला मेंशन करना है। पहले बी वन मल्टीप्लाई बाई सी टू माइनस बी टू मल्टीप्लाई बाई सी वन डिवाइड बाई ए वन मल्टीप्लाई बाई बी टू माइनस ए टू मल्टीप्लाई बाई बी वन कॉमा सी वन मल्टीप्लाई बाई ए टू माइनस सी टू मल्टीप्लाई बाई ए वन डिवाइड बाई ए वन मल्टीप्लाई बाई बी टू माइनस ए टू मल्टीप्लाई बाई बी वन, ठीक है। अब पी एक्स वाई आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू की वैल्यूज। टू मल्टीप्लाई बाई वन माइनस माइनस एट मल्टीप्लाई बाई माइनस इलेवन डिवाइड बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई माइनस इलेवन माइनस टू मल्टीप्लाई बाई फाइव कॉमा माइनस एट मल्टीप्लाई बाई फाइव माइनस वन मल्टीप्लाई बाई थ्री डिवाइडेड बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई माइनस इलेवन माइनस टू मल्टीप्लाई बाई फाइव। बात क्लियर हो रही है? अब ज़रा सा इसको आगे बढ़ाओ
और देखो सिंप्लीफाई करो, 2 - 88 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने में -33 - 10 हो जाएगा, कॉमा -40 - 3 - 33 - 10। सिंप्लीफाई करोगे तो -86 over -43 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 43 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा इसको 86 को, और ये कैंसिलेशन होने के बाद 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा जनाब। इसको नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पूरा, 1 मिनट का तवक्कुफ कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट की जानिब, नेक्स्ट पेज की जानिब मूव करूँगा और इसको फाइनल रिजल्ट लिख के बताऊँगा आपको। ब्लैक मार्कर से बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, और इंशाल्लाह जब आप वीडियो लेक्चर देखेंगे कल सुबह तक तो आपको बहुत ही वाज़े तौर पे ये वीडियो लेक्चर नज़र आ रहा होगा। चलें बेटे स्टार्ट करें। चलें जनाब, जरा गौर से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन द रिक्वायर्ड लाइन एल इज पैरेलल टू गिवन लाइन एल, ठीक है। ये आपके पास जो है एल डैश लाइन है जो हमने शुरू में सपोज की थी, ठीक है। अच्छा, अब जो गिव जो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन के क्या पैरेलल है। अब आपको ये बात याद होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था कि अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हों तो उनका एक्स और वाई का जो हिस्सा होता है कोफिशिएंट विड्थ वो सेम होता है। तो हम यहाँ पे आधी इक्वेशन तो हमने मालूम कर ली, कैसे मालूम की भाई, द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज एल, क्या किया 6x + 13y को कॉपी पेस्ट कर दिया, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट क्या है -25 है, मगर यहाँ पे डिफरेंट होगा सी होगा, इज इक्वल टू 0 लिखा, एंड दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 1। बात क्लियर हो रही है। हम यहाँ पे वही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे जो 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स में हमने इस्तेमाल की थी, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इक्वेशन नंबर 1 की बात कर रहा हूं, पासेस थ्रू गुजर रही है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P2, 1, ये एक्स की कीमत, ये वाई की कीमत, ये इसको सेटिस्फाई करेगी, तो इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दो भाई। देखो 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स क्या है 2 + 13 मल्टीप्लाई बाय वाई 1 + c, सी देख लें इजिकल टू 0, ये सी है, ऑनली सी है, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 × 12 + 13 × 13, 13 + 12 25 हो गया, 25 को उधर शिफ्ट कर देंगे, -25 हो गया, सी इज इक्वल टू -25, पुट इन 1 इक्वेशन में डाल दो सी की कीमत, तो 1 इज इम्प्लाइड दैट 6x + 13y और -25 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, अब इत्तेफाक की बात है कि ये देखो दोनों इक्वेशन सेम आई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात क्लियर हो रही है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जनाब। ठीक है जनाब, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 14 के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सवाल था उसके 3 पार्ट्स कर लिए हैं जनाब। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद इसके पार्ट्स कराऊंगा मैं आपको, और अल्लाह से दुआ करें कि मैं भी पॉसिबल दैट के नेक्स्ट वीक से हमारे इदारे खुल जाएँ तो हम फिज़िकल क्लासेस लेने के काबिल हो जाएँ इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी
अल्लाह को बेहतर ज़्यादा पता है। बेटा अपना ख्याल रखिएगा बहुत, अल्लाह हाफिज़। वीडियो लेक्चर आपको सुबह तक जो है सरामान शेयर कर देंगे।